पूरा हुड़ा तहसीलदार मामले में नया मोड़ आते हुए अब कांग्रेस की पूरी टीम विरोध में आखड़ी होकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र ही स्थानांतरण की मांग की गई। ज्ञापन SDM विकास मोहन भाटी को सौंपा गया। ज्ञापन में हुड़ा पदस्थापित तहसीलदार स्वाति झा पर आरोप लगाया कि वे जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ व्यवहार सही नहीं है और जानबूझकर आमजन का काम नहीं करके परेशान किया जाता है और मनमर्जी से काम करती है। COVID-19 गाइडलाइन के अनुसार बाजार खुलने के बाद भी आमजन को परेशान किया जाता है। इस प्रकार मेडिकल में भी तहसीलदार पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए शीघ्र हटाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में नगर पालिका चेयरमैन सुमित कालिया, हुड़ा पंचायत समिति प्रधान कृष्णा सिंह राठौर, पूर्व पालिका अध्यक्ष चेतन पेशवानी, ब्लॉक अध्यक्ष केदार बैरवा, पार्षद रामदेव खरोल, मधुसूदन पारिक, सलीम बाबू, अविनाश मेवाड़ा, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनारायण पुरोहित सहित अनेक लोग मौजूद थे।